हेलो इज दैट शौर्य? भैया। शौर्य बेटे कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? भाई एक बात सुनो, बाहर जाने से हमें भी खुशी होती है कि बाहर आप कमाने गए हुए हैं। शौर्य दिस इज डॉक्टर गुप्ता, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली। शौर्य 1.5 साल हो गया जर्मनी में आपको। हाँ अभी आपके पेरेंट्स आए थे, आपकी वाइफ भी थी उनके साथ नैना, तो ऐसी बात चल रही थी तो उन्होंने कहा 1.5 साल हो गया आया नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं बताऊंगा उनको, मैं बात करूंगा कि इतने लंबे टाइम के लिए ठीक नहीं है। काम वाम करना अच्छा है बेटे, लेकिन ये है कि पापा भी याद कर रहे हैं, ऐसे ही कह रहे थे, थोड़े आंसू भी निकल आए उनके, कहने लगे कि 1.5 साल हो यस यस डॉक्टर, गया मुझे भी याद आती है, बस वो है। ये यहाँ 3 महीने और है, फिर मैं आ जाऊंगा अच्छा, वापस। 3 महीने में आ जाएगी आप? जी जी नैना भी हाँ कह रही थी, बिल्कुल। नैना भी बहुत याद करती है। अच्छा हाँ बिल्कुल करती तो होगी। ये पूरे कहने लगे आपके पेरेंट्स के, भाई हम तो नहीं दे रहे सरप्राइज अभी। मैंने कहा भाई मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं तो दे रहा हूँ फोन करके। पर नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ अभी। शौर्या मुबारक हो, बाप बनने वाले हो अभी, नैना को चेक किया मैंने। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आई नो कैसा फील कर रहे हो? अरे डॉक्टर, आई एम वेरी हैप्पी, मेरा बॉस खुश हो गया। ए डॉक्टर लगे सुन। सबको बताना है। अरे मेरी बात सुनो शौर्या, जी देखो बोलिए अब डॉक्टर। मैंने अभी बात करी है नैना से, आपकी वाइफ से है, ठीक है? मैंने उनको बोला है भाई ये वक्त ऐसा है, थोड़ा अपना ख्याल रखना, और वैसे भी आप अब थोड़ा सा उससे आके मिलो, 1.5 साल हो गया आपको आए हुए यहाँ पे, समझ गए ना आप? हाँ डॉक्टर डॉक्टर, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, 1.5 साल हो गया है, मैं आ जरूर आ जाता हूँ। जाइए आप। डेढ़ साल हेलो शौर्या, नैना से बात कर रही है मेरी? नैना बेटे अभी मैंने मना किया है बात करने के लिए कि अभी बात मत करना, ठीक है ना? अब आप अरे मेरी बात कर रही है उससे। अरे तो इसका आप बड़ा ख्याल रखिए, ठीक है? डॉक्टर आप रुक जाइए जरा, मैं नैना से बात करता हूँ, रुकिए आप रुकिए। हाँ हेलो जरा, आप नैना से बात कराइए, उसने फोन क्यों बंद कर रखा अपना? शौर्या, शौर्या अरे आप मैंने इनसे ये नैना कहा से है, बात करिए यार। देखिए मैंने नैना से बोला है इसमें आपको थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है अरे शौर्या? खैर की माँ, बताओ कह रहा है यार, बात करो मेरे से, कौन है तुम? नैना से बात करो तो मेरी। इसमें ये है जैसे मैं आपको बता रहा हूं अबे तू क्या बताएगा, तो हट यार, तू नैना से बात करा साला, 1.5 साल के बात करो मेरी। बेटे, अभी नहीं करा सकता, अभी वो लेटी हुई है, फोन बंद कर रखा है अभी। अरे नैना सुन रही है तू? अरे 1.5 साल हो गया मुझे जर्मनी में। अरे नैना शौर्य कैसा फील कर रहे हैं आप? पहली बार जब मेरे को बताया था किसी ने फोन करके कि आप बाप बन रहे हैं, मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने कहा कैसा लगे सब अबे पैर, तुझे अच्छा लगा होगा, मुझे नहीं लगा अच्छा। अरे तुम बात कर रहे हो से मेरी? अबे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो शौर्य बेटी? तुम्हें गुस्सा में 1.5 साल हो गया मुझे आए हुए। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आपको 1.5 साल हो गया, अब आ जाना चाहिए, क्योंकि वो देखो अभी फर्स्ट मंथ है। अबे ये तो पुत्र, मेरी बात कर रहे से तू? इसमें मैंने इनको बताया है कि आप अबे तू खाने, थोड़ा था, 1.5 साल हो गया, तू नैना से बात करा, तेरी ऐसी की तैसी। अबे नैना से बात करा, नैना। चिल्ला क्यों रहे हैं आप? अबे 1.5 साल हो गया। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि 1.5 साल से आप जब नहीं आए तो आपको फिक्र हो, आप यहाँ आके मिलो ना, पापा भी इंतजार कर रहे हैं। अब मैं आता, मैं जाऊंगा, मेरी बात से तू पहले। ए नैना नैना नैना, शौर्य देखो गुस्सा मत करो, अब जिम्मेदारियां पड़ेंगी, ठीक है? अब वही तो पूछो, 1.5 साल से किसकी जिम्मेदारियां बढ़ रही है? अब तुम मेरी बात करो रहना से। अब आप चिल्ला क्यों रहे हैं मेरे को समझ में? चिल्ला, 1.5 साल हो गया, चिल्ला क्यों रहे? अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, 1.5 साल हो गए आपको मिले हुए, आप आइए, आप घर में खुशखबरी है तो सबको साथ कुछ खबरी की बाहर में, तुम मेरी बात करा है नैना से। ए नैना ए शौर्य, शौर्य शौर्य मैं बता रहा हूँ, शौर्य मैं बता रहा हूँ। आपकी वाइफ जो है ना नैना, इसका ख्याल रख लो, इससे मिलते रहो, ये इतनी चालाक है कि इसी ने तुम्हारा मुर्गा बनवाया है। शौर्य मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से नवेद। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 1.5 साल के लिए तो नहीं छोड़ सकते तुम इसको। भाई ब्राउन मन नैना से बात आराम से करना। हेलो स्कूल, ये मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, मैंने अभी आपके स्कूल की बस देखी थी, तो उस पे लिखा हुआ था कि इन केस ऑफ रैश ड्राइविंग फास्ट ड्राइविंग कॉल ऑन दिस नंबर। तो मैंने आपका नंबर देखा, मैंने फौरन आपको कॉल मिला दिया है। इज ही ड्राइविंग रैश? नो 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 मैडम, नो नो, बंदा तो गाड़ी से सही चला रहा है। एक सेकंड रुको, सही जा रहा है, कम से कम
35 40 पे जा रहा है, मैं पीछे पीछे हूँ उसके, आपकी बस के पीछे पीछे हूँ कार पे। सर थैंक यू सो मच। नहीं एक सेकंड फोन मत रखना, मैं अगली रेड लाइट से देखूंगा इसको, कुछ पता नहीं कब मैं तेज चला दी, ठीक है आप होल्ड ही रखना। ये देखो इंडिकेटर दे रहा है लेकिन मोड़ी है इसमें सही, मेरे ठीक चला रहे तो मैं रख। नहीं 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 बुराड़ी चौक के बाद इसका कुछ भरोसा नहीं, कुछ भरोसा नहीं। आप यहीं रुकिए, अभी रुकिए, मैं पीछे पीछे हूँ इसके, पीछे पीछे हूँ, हम भी तो देखें। सही चला रहा है, बिल्कुल सही चला रहा है सर, सही चला रहे तो ठीक है। नहीं रुको, कुछ भरोसा है आदमी, एक सेकंड रुकिए, ये एक्सप्रेस वे पे आया है ना, आप शायद दौड़ाएगा, घोड़ी बना देगा इसके, रुकिए मैं देख रहा हूँ, सही चल रहा है अभी। हाँ जी एक सेकंड रुकना, जरा हवलदार आ गए, मैं फोन नीचे रख रहा हूँ, होल्ड 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 करना, ये कभी भी तेज चला सकता है, एक सेकंड। सर अगर वो सही चला रहे तो आप बार बार मुझे तो फोन नहीं, चार बच्चे उतर गए ना, हो सकता है अब हल्की होगी गाड़ी, आप दौड़ा दे शायद। आप होल्ड रखो, अभी इसको देखना है, हमें देखना है, आपने अपना फर्ज पूरा किया भाई, हमारा भी तो फर्ज है, आपको बताते रहे, इन्फॉर्म करते रहे। सर जब ये तेज चलाएगा तब कॉल करिएगा ना। देखिए मैडम, मैडम देखिए, अगर ये तेज चलाएगा फॉलो करने के लिए मुझे भी तेज चलानी पड़ेगी, और तेज चलाते में मोबाइल बात नहीं करता प्लीज, आप होल्ड रखिए, अभी धीरे चला रहा है ये, समझ गए आप, धीरे चला रहा है। कौन पागल है भाई तू? पागल नहीं, नवेद कहते हैं, मैं आपकी बस का नंबर देखा था मैंने, तो मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बना रहे थे मैडम, ये तेज मैडम गुड मॉर्निंग, आप सही से बच्चों को पढ़ाओ, हैं पढ़ाई लिखाई बड़ी जरूरत है, मैं आपसे फिर बात करूँ, अभी भी सही चला रहे, गॉड ब्लेस यू, बाय। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर जयदीप। गुड मॉर्निंग मिस्टर जयदीप, चाय नहीं पी रहे आज आप? चाय नहीं पी रहा मतलब क्या? मतलब सर पिछले 7 दिन से मैं देख रहा हूँ इसी टाइम आप चाय पीते हैं, आज चाय नहीं पी आपने, एनी प्रॉब्लम सर? भाई कौन बोल कौन रहा है सर, भाई? मैं फेसबुक से बोल रहा हूँ सर, यू नो पिछले 7 दिन से हम आप किस हर चीज जानते हैं सर, यू नो डेटा एंड ऑल। सो सर व्हाट हैपेंड, आज चाय क्यों नहीं पी रहे भाई? डेटा तो मेरी जिंदगी में क्यों दखल अंदाजी कर रहा, मैं खुद फील हुआ थोड़ी देर में। आप फीलिंग है ना वहाँ पे भी, आप वरेड ना, मैंने देखा सेम टाइम हो गया है तो। ओके सर, हैव अ नाइस डे। हेलो मिस्टर जयदीप। हाँ जी मिस्टर जयदीप, लेट मी आस्क यू, ये क्या भाभी का मूड खराब था रात में? क्यों, तू कौन बोल रहा है? फेसबुक से बोल रहा हूँ सर, यू नो डेटा। भैया क्यों परेशान कर रहा है, ठीक कोई बात थी, हो गई थी, तेरे को क्या मतलब? नहीं मैं मतलब ऐसे ही देख रहा था, मतलब वी नो ना डेटा एंड ऑल। हैव अ नाइस डे सर, हैव अ नाइस डे, मैं तो ऐसी कॉल कर लिया। सुन, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस। हेलो मिस्टर जयदीप, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये जो नाक पे आपके दाना निकला है ना, इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, इसकी ट्यूब आती है मार्केट में। हाँ फेसबुक से बोल रहा हूँ, फेसबुक पे ही नीचे आप सर्च करना, आप ना हमने ट्यूब का भी एक वो डाल रखा है, ठीक है? तू पागल तो ना हो रहा, सबकी जिंदगी में झाग झाग के। नहीं मेरी बात सुनिए, मैंने आपको सिर्फ फॉर्म किया, यू नो डेटा एंड ऑल। ओके ओके बाय। हेलो, आज आपने पानी कम पिया क्या जयदीप? क्यों? आज टॉयलेट बहुत कम बार गए आप, हमने ऐसे टोटल गया सिर्फ 3 बार आप टॉयलेट गए, अदरवाइज आप पिछले 15 दिन से आप कम से कम 6-6 बार टॉयलेट जाते थे, पानी कम पी रहे हैं शायद। अरे तुम मुंह पे भी नजर रख रहे हो, इस तरह की बात मत करिए, वी आर बियॉन्ड ऑल, यू नो डेटा एंड ऑल, डेटा एंड ऑल। हेलो मिस्टर जयदीप, इस बार आपने अनलीडेड पेट्रोल नहीं डलवाया गाड़ी में, एनी प्रॉब्लम? मतलब मैं कई दिन से देख रहा हूँ आप अनलीडेड डलाते हैं। फेसबुक से बोल रहे हो? फेसबुक से बोल रहा हूँ। हाँ जी फेसबुक। अब जब जब तेरे पास सारा डेटा है, ये डेटा एंड ऑल, तो मेरे को एक बात और बता दे पता करके। तुझे ये बता कि मेरा मूड कैसा लग रहा है? मूड आपका इस टाइम तो फेसबुक के डेटा के हिसाब से ठीक नहीं लग रहा मेरे को सर। ठीक नहीं लग रहा ना? ना ना ना। तो मुझे उस डेटा से ये बता तू मेरे को कि मैं तेरी छोड़ूंगा। देखे 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 फेसबुक पे सब ज्यादा सुन मेरी बात, दिमाग खराब कर रखा है, फेसबुक से बोल रहा हूँ, डेटा एंड ऑल, डेटा एंड ऑल। मेरी बात सुन तू, सुने सर, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। भाई तू ना सर नहीं जा, तेरे से कोई डेटा नहीं छुपा भाई, तू ना सर नहीं। हेलो ध्रुव जी नमस्कार। नमस्कार, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस इलेक्शन आप मेरे को वोट दे दो, अभी भी टाइम है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ही हमारे प्रभु हैं, जनता के लिए हम सेवक हैं, जनता जो कहे हम पूरी रात करें, आप भगवान समान हैं। और मैं आपसे ये वचन लेता हूँ कि आपकी जितनी दुख है, जितनी परेशानी है, ये आप मेरी समझें, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। मैं आपसे इस वक्त वोट की भीख मांग रहा हूं, मेरी नज़र में आपकी अहमियत ऐसे है जैसे भगवान की अहमियत। आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं, आपके आगे हम जैसे नेता की कोई औकात नहीं है, आपके बिना हमारा गुजारा नहीं। हम निवेदन करते हैं, आपके हाथ जोड़ते हैं,
आप वोट हमको करना। बट सर मैं तो वोट दे के आ चुका हूँ। आपने दे दिया वोट? हाँ जी बिल्कुल, 2 बजे ही चला गया था पोलिंग बूथ। तो भाग फिर इधर से गधे के बच्चे, मेरा टाइम क्यों खराब करा? ये तो मुंह लगाओ इनके, ऊपर से मुंह लगाओ, ऊपर से ये इनके ताने सुनो। इसको फोन क्यों मिलवाया, इसने पहले ही वोट डाल दिया है। वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अभी गाली देने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझो कि मैं रेडियो मिर्ची से मैं बोल रहा हूँ। मैं तो ऐसे सिखाऊंगा किसी को भी फायदा उठाया। नेता प्यारे करके दिख ध्रुव, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वैसे बस ये बताना चाह रहा था कि होता तो यही है। ये बात तो सही। थैंक यू सो मच ध्रुव। एंड वोट वाकई में डाल दिया था ना आपने? हाँ जी सर, गुड। ये होते हैं अकलमंद इंसान, अकलमंद नागरिक। हेलो दीपिका मैडम, मैं आपका कैब ड्राइवर बोल रहा हूँ। आपका पिकअप था आज कॉल सेंटर में। कौन, बलवंत? नहीं मैम, बलवंत की तबीयत खराब है, मेरी ड्यूटी तो गई, मेरे रोस्टर में जाओ आगे। मैडम मैं कितने बजे की शिफ्ट है आपकी? 10 बजे की शिफ्ट है। तो मेरे को थोड़ा सा समझा दो कि मैं कैसे, मैं पिकअप के लिए आ रहा हूँ, मैं कैसे आना यहाँ पे? लाजपत नगर में क्या देखा? लाजपत नगर में मैं देखा नहीं है, मैंने सुना है पकौड़े जैसे मशहूर है। आपने लाजपत नगर में 3C देखा है? देखा मैडम मेरे। अच्छा, फिर आपने लास्ट होमस्टे? नहीं मैडम वो भी नहीं देखा मैंने। इजी पे देखा है वहाँ का? नहीं मैडम वो भी नहीं देखा है। भैया आप कहाँ से आओगे? मैं यहाँ से हूँ, वाघा बॉर्डर से जलंधर होता हुआ। महामाया ब्रिज से आएंगे ना? महामाया ब्रिज मैंने नहीं देखा मैडम, ये कहाँ? आपने दिल्ली में क्या देखा है? लाजपत नगर नाम की एक जगह है, आपने वहाँ पर आना है। वहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिएगा 3C कहाँ पर है। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ से एक सीधी रोड जा रही है, आप वो सीधी रोड पर आएंगे, आगे जाके आपको एक खंबा दिखेगा, खंबे से राइट हो जाएगा, उसी गली में रोकेगा, मैं वहाँ पर आ जाऊंगी। तो ये खंबा मशहूर है, किसे पूछ लूँ खंबा कहाँ पड़ेगा या क्या पूछूँ? लाजपत नगर मशहूर है खंबा? हाँ, आपने ये पूछना है कि लाजपत नगर में 3C कहाँ है, खंबे बहुत सारे हैं, वो आपको घुमा देंगे। तो वो आपका खंबा कौन सा है, उसका नाम है कोई? जैसे खंबे का नाम कुछ नहीं है, आप 3C पहुँचेगा, वहाँ से आपको एक खंबा। जैसे मैं लाजपत नगर में एंटर हो गया, मैं लाजपत नगर में एंटर हो गया, फिर लाजपत नगर में आप एंटर हो गए भाई साहब। हाँ, तो आपने वहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिएगा कि वहाँ पे 3C कहाँ पर है, 3C के बिल्कुल सामने। तो ये किससे पूछना है 3C कहाँ पे है, जैसे किसी को याद नहीं है, मतलब किससे पूछूं? भैया आपको कोई भी ऑटो वाला, रिक्शा वाला, कोई भी दिख जाएगा, किसी से भी पूछ लीजिएगा। ऑटो वाला कहाँ, खंबे के पास मिलेगा? आपको ऑटो वाला खंबे के पास नहीं मिलेगा, आपको ऑटो वाला कहीं भी मिल सकता है। तो उनसे क्या पूछूं मैं यार, तू क्या कर रहा है? हेलो प्राची दीदी, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? यही होता है प्राची दीदी, जब अपनों से ना मिलो ना, मतलब फिर यही होता है बाद में कि भाई बताना पड़ता है कौन बोल रहा है। प्राची दीदी, राहुल भैया के शादी में आए थे आप? सॉरी मैंने राहुल, हाँ जी, वहाँ पे आपकी मम्मी से मिले थे, आपसे थोड़ी देर के लिए मिले थे हम, आप खाने वाने में मेरे ख्याल से बिजी थे। तो अभी अभी है ना, मैं कंप्यूटर पर बैठा हुआ था, मम्मा भी बैठी हुई थी, आपके फोटो देख रहे थे, मैंने कहा प्राची दीदी को हाय हेलो बोल ले। अच्छा अच्छा अच्छा, और बताओ क्या हाल चाल है? बस ठीक है। आपका नाम क्या बताया आपने? प्राची दीदी, गुलशन बोल रहा हूँ। तो हम बैठे हुए थे, आपके फोटोग्राफ्स भी देख रहे थे, इंटरनेट पे भी खोल रखा था, अभी मम्मा भी बैठी थी कंप्यूटर पे। आप ये गुप्ता आंटी के यहाँ से बोल रहे हैं क्या? आप आए थे शादी में? अच्छा, राहुल की तो शादी मुझे ध्यान आ रही है। ध्यान आ रही, आपकी मम्मा ने एक फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया था, यू रिमेम्बर? अच्छा, कराया होगा। हाँ जी, नंबर एक्सचेंज किए थे, आप भूल गए शायद। तो कोई बात नहीं, बताइए आप, गुलशन ना? अच्छा, फेसबुक पे फोटोग्राफ देख रहे थे तो मामा भी देख रही थी अभी। अच्छा, मैंने देख, आपके स्कूल के भी बड़े अच्छे लगा रखे हैं आपने। पुराने हैं ना काफी। हाँ, बचपन में भी क्विट थे आप। थैंक यू। आपके आप हमारे हार्ड डिस्क में भी पड़े हुए थे काफी फोटो, क्योंकि मेरी मामा ने दिए थे, वो पुराने थे, आपकी मामा को जानते हैं ना। अभी ना मैंने आपका 6 साल पुराना वाला वोटर आईडी कार्ड देखा। अच्छा, इतना फनी लग रहा है मेरे को, इतना फनी लग रहा है, मैंने कहा इसको टैग कर देता हूँ, फिर लोगों के रिएक्शन देखो क्या मिलते हैं। मम्मा भी कह रही थी इसको टैग करके देख, फिर लोगों के रिएक्शन देख, मैंने कहा मम्मा अभी प्राची दीदी से बात कर लो, उनको भी सरप्राइज दे देंगे। कौन बोल रहे हो? गुलशन। गुलशन
हेलो। हाँ जी, अभी डिलीट करो फोटो को, उसको डिलीट है, फनी फोटो लग रहा है मेरे को। अभी क्या, अभी डिलीट करो उसको, टैग करूंगा ये, अभी देखो रिश्तेदारों में ऐसा लगेगा लोग पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन मैं लिख दूंगा प्राची दीदी। प्रॉब्लम है कुछ फोटो? पायल दीदी ने तो नहीं दिया कहीं से, उन्होंने फॉरवर्ड किया था मेरे को, तो थोड़ा सा टैग करके देखता हूँ, फिर देखो ना दो मिनट में क्या रिएक्शन मिलते हैं लोगों को। समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, डिलीट करा भी क्या अभी फोटो मेरी, इसको मैं शेयर करता हूँ फिर देखना लोगों के कमेंट्स क्या मिलते हैं। इतना इसको डिलीट कर दे तो कुत्ते के बच्चे, मैं बता रही हूँ तेरे को, डिलीट कर इसको अभी के अभी। अब की बार चिल्लाए ना, मैं बता रहा हूँ मैं शेयर का बटन दबा दूंगा, मैं बर्दाश्त नहीं करता अपने बाप की भी, समझ गया, एक तो फराज की दीदी हो रिश्तेदार बन रहे हो, मैं अभी दबा दूंगा शेयर का बटन अगर जरा भी बदतमीजी से बात करिए, समझ रहे हो, आप बहुत देर से चिल्ला रहे हो, एक बार भी एक आवाज निकलगी ना तेजी से मैं फौरन शेयर कर दूंगा इस बटन को, ऐसे बटन दबाने मेरे को देर नहीं लगती। गुलशन हाँ, प्लीज इसको शेयर मत करना, मना करो ना, अब इतने लोग फेसबुक पर है मेरे, तो प्रॉब्लम क्या है इसको शेयर करने में, शक्ल देखिए अभी उन लोग के पट्टे, डिलीट कर दो उसको, फिर चिल्लाए मैं शेयर कर दूंगा बता रहा हूँ मैं। गुलशन मत मत कर बेटे, प्लीज मत कर, तो प्रॉब्लम क्या है इसको शेयर करने में, अगर मैं शेयर फोटो देखिए तूने उन लोग के पट्टे, शक्ल देखो से मेरी, इस बार अगर चिल्लाए ना मैं बता रहा हूँ मैं शेयर कर दूंगा अगर इस बार चिल्लाए तो। गुलशन हाँ जी, मान जा बेटे प्लीज, आधे घंटे के लिए शेयर करने देगा ना इसको, फिर देखो क्या रिएक्शन मिलते हैं। अपनी नाक लगा ले कुत्ते, समझ नहीं आती तेरे को, इस बार लास्ट टाइम है, अगर एक बार चिल्ला दी ना आप मैं इसको शेयर कर दूंगा बता रहा हूँ मैं। गुलशन बेटा, हेलो गुलशन, हेलो गुलशन, हाँ जी बेटा, आपने बताया नहीं आप रहते कहाँ हो, आपने बताया था मेरे को अभी, हम यही रहते हैं 41 पॉकेट सी मयूर विहार। हेलो, इज दैट मिस्टर सुधांशु? यस स्पीकिंग। मिस्टर सुधांशु डोंट माइंड, आई एम कॉलिंग फ्रॉम वेदर डिपार्टमेंट, डोंट माइंड, बट हमें एक बात बताइए, इंसान होने के नाते आपको ये पता है कि आप क्या कर रहे हैं? आप बोल कौन रहे हैं? देखिए ये जरूरी नहीं है मैं बोल कौन रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ ये जरूरी है, नहीं आप आपको बताना तो होगा। मैं बिल्कुल बताऊंगा मैं वेदर डिपार्टमेंट, मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ, और एंड लिसन देखिए आप चिल्ला के बात नहीं करेंगे, जो बात है मैं यहाँ वेदर डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, आप एक छोटी मोटी कंपनी चलाते हैं, आपकी अपनी खुद की कंपनी है, आपके एम्प्लॉई है, तो आपके एम्प्लॉई दो एम्प्लॉई ऐसे हैं जिन्होंने हमें मेल लिखा कि ये आदमी जो है आपके बॉस, मतलब आपके लिए, कि आप इनको इतनी गर्मी दिल्ली में, आप खुद सोचिए इतनी गर्मी दिल्ली में हो रही है, आप क्यों नहीं एक दिन का ऑफ देते हैं जिस दिन ज्यादा गर्मी है, तो गर्मी क्या हमारे लिए नहीं है? देखिए मेरे लिए भी गर्मी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि गर्मी कितनी है ना, लेबर लॉ के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो कल को फिर मैं आपको एहसास, बिल्कुल लेबर लॉ के खिलाफ नहीं, बिल्कुल नहीं, देखिए नहीं, आप मुझे बताइए 43, 44, 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, 7 दिन पहले आपने छुट्टी नहीं दी उस दिन, एक एम्प्लॉय आपसे कह रहा है छुट्टी दे दो, तो छुट्टी ऐसे थोड़ी ना मिल जाती है, हम भी तो सारा काम कर रहे हैं, देखिए आपका काम करना, आप अगर वो बीमार पड़ गए गर्मी में, उनको डिहाइड्रेशन हो गया, तो मैं ये नहीं कह सकता आप भी तो काम कर रहे थे, एसी है हम क्या पेड़ के नहीं, चलिए मैं उसको भी भूल जाता हूँ, मैं टेम्परेचर को भी भूल जाता हूँ, ह्यूमिडिटी देखिए आप दिल्ली में किस कदर ह्यूमिडिटी थी, आपने उस दिन भी छुट्टी नहीं दी, इतनी गर्मी में भी छुट्टी नहीं दे रहे आप, तो हम थोड़ी ना कह रहे हैं यहाँ ऐसे काम करो, ऐसे हमने वो खुद हमारे पास आते हैं खुद काम करते हैं, हमने थोड़ी ना कहा सर ऐसे है, सर ऐसे आप मेरे को मत पढ़ाइए, वेदर डिपार्टमेंट का काम ये आपको इन्फॉर्म करना कि कितनी गर्मी पड़ रही है, ठीक है, अब आपके समय आप काम नहीं कर रहे हो, मैं काम कर रहा हूँ लेकिन आज मैं काम नहीं करूंगा, आज तो हद हो गई है गर्मी की, ऐसा क्या हो गया, आज भी उतनी है जितनी दो दिन पहले, अरे आज नहीं है यार, आपको आप वेदर डिपार्टमेंट में हो, मैं वेदर डिपार्टमेंट में हूँ, जितनी आज गर्मी है, क्या ऐसा क्या हो गया, आपने क्या देख लिया जो आप बोल रहे हो आज इतनी गर्मी है, ज्यादा टैटे मत करिए, मैं आपको कॉल नहीं करता, आज हद हो गई, आज मैंने खुद देखा है दो खंभे एक कुत्ते के चक्कर में लड़ रहे थे, अपनी आंखों से देखा है दो खंभों में लड़ाई हो गई, एक कुत्ता था दो खंभे पे आपस में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा है, और आपको एहसास दिलाना चाह रहा है कि इससे ज्यादा गर्मी नहीं हो सकती, जब दो खंबे कुत्ते के चक्कर में लड़ रहे हैं, आपने कभी जिंदगी ये तो गर्मी की हद हो गई। हेलो ये भाई, हेलो हाँ जी, ये एटीएम के लाइन में खड़ा हुआ है क्या भाई?
हाँ एटीएम लेन में खड़ा हुआ। धक्का क्यों दे रहा भाई पीछे से? क्या कह रहे हैं भाई? एटीएम की लाइन में खड़ा हुआ है। हाँ एटीएम लेन में खड़ा। तो धक्का क्यों दे रहा पीछे से? क्या कह रहा है भैया, किसको धक्का दे रहा? अरे धक्का मैं तेरे आगे खड़ा हूँ यार, ये पीछे तू खड़ा हुआ है, धक्का क्यों दे रहा है? भाई मैं नहीं दे रहा धक्का यार, पीछे से आ रहा है धक्का। तो भाई मना करना उनको। ठीक है बोलता हूँ। बोल भाई, धक्का मत दे। हेलो भाई, क्यों दे रहा है तू धक्का पीछे से? भैया किसने धक्का नहीं, तो धक्का तुम्हारी तरफ से पीछे से आ रहा है ना धक्का। मैं आगे खड़ा हूँ, एटीएम में घुसाएगा क्या, मेरा सर मारेगा उसमें शीशे में? अरे चुप हो गया यार, धक्का पीछे से आ रहा है। नहीं तो ये तमीज होनी चाहिए ना, मुझे भी जरूरत है, मैं भी निकालना चाह रहा हूँ यार, मेरे को भी कैश की जरूरत है। धक्का इसका मतलब थोड़ी धक्का दोगे। अरे धक्का मत दो यार, पीछे से चिल्ला रहे हैं वो लोग। हाँ कह दिया मैंने भाई साहब, पीछे से आ रहा था। आप उसको मना करो यार। हेलो, तू नहीं मानेगा भाई, क्यों धक्का दे रहा है पीछे से यार? अरे यार, कैश नहीं, नहीं क्यों 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 धक्का दे रहा है पीछे से? मैं धक्का नहीं दे रहा, पीछे से धक्का आ रहा है, लेडीज लोग की वजह से दिक्कत आ रही है, मैं क्या करूँ इसमें यार? नहीं तो तुम मेरे को बोल रहे बार बार, तो धक्का क्यों दे रहे हो, धक्का क्यों दे रहे हो आप पीछे से? भाई साहब मैं धक्का नहीं दे रहा, पीछे से धक्का। तो उसको मना करो ना, उसको मना करो, आप उसको मना करो धक्का देना। मेरे पे तीसरा नंबर है, मेरा पास कैश निकाल के जा रहा हूँ यहाँ से। दिमाग खराब मत कर, लेडीज को घुसाया जा रहा है, मर्द यहाँ खराब होता है पागलों की तरह। दिमाग खराब मत कर, मेरा बहुत परेशान हूँ। हेलो, मैं चाटा मार दूंगा इस बार धक्का आया तो। एटीएम में घुसाएगा क्या मेरे को? मेरे को भी कैश करो, तो क्यों धक्का दिया जा रहा है यार? नहीं तो क्यों पीछे से क्यों धक्का दे रहा है? लो मेरे साथ जो भला बंदा है इससे पूछ लो बस, दे ये लो इससे बात करो, पीछे से धक्का आ रहा है। पीछे से तो आप मना करो ना उसको, पीछे से पीछे वाले को भाई धक्का मत दो तुमसे तो। हेलो, और दे दे धक्का, ये धक्का मुक्ति के चक्कर में कर दिया बंद एटीएम। मेरे दो रह गए थे, मेरे दो आदमी रह गए, बंद कर दिया है, बंद है। कहाँ खड़ा भाई तू? मैं तो बस ये उसी पे काउंटर पे हूँ, कर दिया बंद, कह रहा हूँ धक्का मत दो। बैंड बंद कर दिया मैं, तीन घंटे से बैंड बंद कर दिया एटीएम, बंद कर दिया भाई। बंद नहीं किया मेरे भाई, मुझे मुझे किसी ने बताया था तुम सुबह से शाम तक लाइन में खड़े हुए हो यार, कैश मिला या नहीं मिला? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो बच्ची से। कहाँ कैश मिला, अभी दो ढाई घंटे और लगे कम से कम, बहुत देर से लाइन में लगे हुए हैं। बंद कर दिया भाई, क्या बताएं भाई, बंद कर दिया भाई, भाई एटीएम बंद कर दिया। एक सेकंड भाई, मैं बात तो कर रहा हूँ। यार अरे भाई, अरे बंद नहीं किया उसको, वगैरह मजाक कर रहे हैं, बंद नहीं किया, नहीं किया भाई, बंद नहीं किया, एटीएम खुला हुआ है। इनको बताता हूँ। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ, क्या मैं मिसेज मेघना से बात कर सकता हूँ? एक सेकंड। हेलो, तुम पागल हो, तुमने वाइफ को क्यों दे दिया फोन? मुझे मालूम नहीं था, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय डार्लिंग। क्या बकवास है, मेरे को आवाज आई है? अरे मैं कह रहा हूँ, मैं जानता ही नहीं, मुझे जवाब चाहिए अभी। अरे यार हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। अबे भाई अभी तूने ही फोन किया था ना? मैंने फोन किया, किसी कारण फोन कर गया था। तो बता ना यार इसको, यार तूने फोन किया था यार, हाँ ले बता। कौन बोल रहे हैं? डार्लिंग तुम क्या कर रहे हो, बार बार उसको फोन दे रहे हो, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय बाय। तुम जवाब दोगे या मैं मम्मा को फोन करूँ? अरे रुको तो सही यार। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, तूने ही फोन किया था ना अभी? यस सर। तो जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहा है, बता इसको। सर मैं बताया था मैडम की पॉलिसी के बारे में। अरे पॉलिसी नहीं, इसको वो बता जो बता रहा था पहले, तूने किया है? सर मैं तो कह रहा हूँ मैंने किया है फोन, मैंने कब मना किया है? हाँ तो ले बता इसे, भेजिए। हेलो बेबी, तुम मरवाओगे आज, लो तुम ही बात कर लो इस कमीनी से। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, इसे बता क्यों नहीं रहा है तू, क्या बोले जा रहा है जब मैं फोन दे रहा हूँ उसे? मेरी मैडम बात ही नहीं सुनती है। सही से सुनो ना, तुमने इस बार धैर्य हो गई क्या? हेलो बेबी, रात को बात करते हैं, अपनी महबूबा से बात कर लेना रात को। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, साले मैं स्पीकर पे डालता हूँ, अब बोल लेगा तू, डाल दिया ले स्पीकर पे, बोल अब बोल, सुन लिया वो। चानू कल बात करते हैं, मैं अभी नहीं बात कर सकती, मुझे पता है तुम्हारे घर का माहौल बहुत गर्म हो गया है। ये सब अपने काना में, अरे मुझे पता ही नहीं है, ये सब पता है। हेलो 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 हेलो, आप दोनों स्पीकर फोन पे रहिए, ऐसे मजा नहीं रहता। रेडियो मिर्चे से नवेद बोल रहा हूँ, प्लीज मोहब्बत बरकरार रखिए, मैं तो ऐसे मजा नहीं। सर मुर्गा कहते हैं उसको। हेलो, ये मिसेस बबीता? हाँ जी बबीता जी, मैं पंकज मीडिया स्टूडियो से बोल रहा हूँ। ये तो है नहीं अभी घर पे।
नहीं बबीता जी, मैं आपसे ही बात करना चाह रहा था। आप भूल गए, आपकी शादी में हमने वीडियो बनाया था शादी का। हाँ जी, क्यों? अभी बबीता जी मैं वीडियो दोबारा देख रहा था विदाई के टाइम पे, आपकी शादी का जब आपकी विदाई हुई है ना। हाँ बबीता जी, उस टाइम पे तो कोई भी नहीं रोया है। अभी मैं जब देखा है वो बाबुल की दुआएं, कोई नहीं रोया है, आपके मम्मी पापा। बबीता जी मैंने अभी आपकी शादी का जो कैसेट है सीडी, हाँ उसको मैंने रीमिक्स किया है और गाने नए डाले हैं, और क्योंकि कोई नहीं रोया था मैंने अभी क्या किया है, अभी सारे गानों पे हमारी पूरी टीम ने रीवर्क किया है। अच्छा, ये आएंगे तो उनको दिखा दो। नहीं आप पहले सुन लो, लाइक ये वाला गाना। आज दिन लाइक दिस सॉन्ग हिट द चार्ट इन माय टीम इज गोना क्राई ऑन इट। Like this song got 3 million views on YouTube. And I'm telling you, ये वाला जब देखा है ना तो गाने से तो पैसे वसूल हो गए। पूरी फिल्म देखी तो like this man. Like this one. Shut up! Shut up! Did I play the song? Sorry. One of the peppy. मगर ये वाले गाने को हम पिछले 7 महीने से रीमिक्स करना जा रहे हैं। इस पे टीम रोती नहीं है, इस पे टीम हंसती है। बबीता जी, बबीता जी रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप ऐसी हंसती रहे यार, हमेशा खुश रहे। अरे रोने तो ना क्या भाड़ में यार। थैंक यू सो मच बबीता जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय। मुर्गा बना रहे थे आपको हम, थैंक यू। Hello. Hi Kajal, I am Ronnie. I am calling from Light Bright Communication and Sound System. Kajal. Yes. Kajal, भैया जी से आपकी बात हुई होगी। भैया जी एक्चुअली गए हुए हैं लॉस एंजलिस, एक डीजे का उनका कॉम्पिटिशन है। आपके बॉयफ्रेंड का बर्थडे था और आप म्यूजिक कंपोज कराना चाहती थी। यू वॉन्ट टू विश हिम लाइक दैट के क्लब में कहीं म्यूजिक व्यूजिक चले, राइट? भैया जी तो गए हुए हैं अभी। आई एम गुड, आई एम गुड, बट भैया जी है नहीं। बर्थडे कब है मुझे बताएंगे? My boyfriend's birthday is coming and I told, I know. Neither of the, he was supposed to compose the music. That's why I call you up. मैंने इसीलिए कॉल किया है काजल, हमने म्यूजिक कम्पोज किया है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ काजल, मेरे को बताए बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? That's great, बहुत अच्छी जगह है। Okay काजल, हम क्या करते हैं, एक तो हम कॉपी नहीं करते, हम ओरिजिनली कॉम्पोजिशन करते हैं, अपना ओरिजिनल कंपोज करके। मैंने जो कंपोज किया है, भैया जी ने मेरे को बताया था काजल का बॉयफ्रेंड है तो इस तरह कंपोज करियो, मैंने कंपोज किया है, कई तरीके से हमने कॉम्पोजिशन किया है। तो आप अपने बॉयफ्रेंड को किसी भी तरह से बर्थडे विश कर सकते हैं, लाइक ओके आई विल टेल यू, रॉनी ट्रैक सुना के ला जो हमने बनाए काजल के बॉयफ्रेंड के बर्थडे के लिए। ओके काजल, मैं आपको एक एक करके जो मैंने कंपोज किया है आपके बॉयफ्रेंड के लिए, जो कि कहीं से कॉपी नहीं है, मैं चाहता हूँ ओरिजिनल मिले उसको, जो कुछ सुनने को मिला है, एंड ट्रस्ट मी ही विल बी हैप्पी, राइट? सो मैं आपको अपनी कॉम्पोजिशन सुना रहा हूँ, राइट? लेट्स से जैसी प्रेम आपको बॉयफ्रेंड किया में क्लब में एंटर होता है, विश हिम लाइक दिस, ट्रस्ट मी। हैप्पी बर्थडे टू यू,
Happy birthday to you. Happy birthday to you. You. Kajal. Hello. Where are you? सबसे अच्छा तो ये कि हमने कॉपी नहीं किया है. आपको पसंद आया? या जॉनी आपने कुछ और कंपोज किया? मैंने बहुत कुछ कंपोज किया है. दूसरा सुनिए. ओके, कभी कभी क्या होता है, घर में दो बर्थडे एक साथ आ जाते हैं, राइट? कभी खानदान में आ जाते हैं, कभी ये भी होता है कि क्लब में किसी और का बंदे का बर्थडे होता है, प्रेम के अलावा, आपके बॉयफ्रेंड के अलावा. अगर ऐसा हो जाता है, वी विल प्ले दिस वन एंड दिस विल रॉक, ट्रस्ट मी. लिसन टू दिस. Happy birthday, एक और हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे करके हैप्पी बर्थडे. हैप्पी क्या बर्थडे करना होगा? हाँ, हैप्पी बर्थडे, एक और हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे करके हैप्पी बर्थडे. So, काजल, एक तो ये मैंने किया है. लेट्स से आपके बॉयफ्रेंड प्रेम के दादाजी भी विश करना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से मैं ये प्ले कर सकता हूँ. Listen to this. Happy birthday to you, to you. Happy birthday to you, to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, to you, to you, to you, to you. Rory, कुछ और है तो बताइए. बिल्कुल है. इसके बिना तो पार्टी पूरी नहीं होती. Listen to this. Ravina, happy birthday to you, to you, to you. Ravina, happy birthday to you, to you, to you. Ravina, happy birthday to you, to you, to you. ओके काजल, मेरे को कभी कभी क्या लगता है, मैंने सुना था कि प्रेम, आपको बॉयफ्रेंड जो है, उसके पापा पार्टी के अगेंस्ट है, वो पार्टी मनाने नहीं देते. तो पापा अगर पार्टी के खिलाफ है, हम पापा की तरफ से डेडिकेट कर सकते हैं दिस वन. लिसन टू दिस. ओह, दिस हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू. ओह, दिस हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू. Why this happy birthday to you? Why this happy birthday? Why this happy birthday to you? Why this happy birthday? Why this happy birthday to you? काजल, अब थोड़ा बहुत तो आप समझ गई हैं. मैं रेडियो मिर्चे से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे पता चला था कि आपने अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ गाने कंपोज कराए हैं, बर्थडे विश करना चाहती हैं, लेकिन ये भी बुरे नहीं है. काजल, आई एम नवेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची, और मुर्गा बन गया आपका. बर्थडे बनाएंगे आप? कोई नई बात बताइए, मुझे लोग अक्सर क्रेजी कहते हैं. थैंक यू सो मच एंड हैव फन. थैंक यू. हेलो. हेलो मंजू. हाँ जी मंजू बेटा. मैं मंजू बेटा, मैं अंकल बोल रहा हूँ. आप मेरे को शायद जानते नहीं हो. मैंने आपका, एक्चुअली मैंने भी नहीं, मेरे बेटे ने, मेरे बेटे ने आपका वो मैट्रिमोनियल में वो देखा था एड. अच्छा, और वो थोड़ा शाये है, वो थोड़ा शाये है, तो मेरे को कह रहा पापा मैं नहीं कर पाऊंगा. मैंने कहा यार कमाल है, पापा से वैसे सारी बातें हैं, मतलब यहाँ पे कोई बात ऐसी नहीं है जो छुपाने वाली हो, ये छुपा रहा है. सो मंजू, माई नेम इज मनोहर, माई सन कपिल वॉन्ट्स टू गेट मैरिड. तो वो बात कर रहा था. तो बेटा आपके बारे में मैंने पढ़ा, थोड़ा बताएंगे आप अपने बारे में? और सर, मैं, आपने मेरे तो उसमें पढ़ा होगा सब कुछ. मैं 26 साल की हूँ. आई नो. मैं एक एथलीट हूँ. क्या खेलते हो? मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ. एंड मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और मैं नेशनल में खेलना चाहती हूँ. अरे गुड गुड. इसके लिए मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ. नहीं नहीं, आप हमको पूरी उम्मीद है कि आप नेशनल भी खेलोगे. और ये देखो भगवान के ऊपर वाले की आप कृपा देखो मंजू बेटे, आप मेरी बेटे की तरह हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. देखिए, रिश्ता होना ना होना सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन ऊपर वाला पहले से एक इंडिकेशन दे देता है. देखिए, आपने बताया आप खेल में रुचि रखती हैं. मेरा बेटा, ये मेरे को भी पता नहीं था, 8-8 घंटे 9-9 घंटे खेल रहा है. मेरे को पता नहीं था. मैं पहले यकीन नहीं करता था. मेरे पास, हमारे पड़ोस में कोई ये रावत जी हैं, इन्होंने कहने की खेल रहा है ये, तो मैंने कहा यार कमाल है भाई. मेरे को यकीन भी नहीं हुआ. मैंने कल बुलाया, मैंने कहा भाई इधर आ, मुस्कुरा रहा है. मैंने कहा हमें नहीं बताया तूने, मतलब बाप को नहीं बताया तूने?
तो ये देखिए ऊपर वाले के बस मेहरबानी है, क्या ऐसी बना देता रिश्ते। ये तो बहुत अच्छा है, मतलब मेरे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बट क्या खेलते हैं ये? करियर से खेलता है, करियर से खेलता है। हाँ जी, करियर से खेलता है। जैसे इसमें ये ग्राउंड राउंड की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसमें ये है, इसमें काफी चीज ताश की जरूरत पड़ती है, इसमें दोस्तों की जरूरत पड़ती है, ये करियर से खेलता है। आप यकीन करना, मेरे को पता नहीं था, ये सुबह उठ के खेलता है, कुछ छः बजे से लेकर रात को 12 बजे तक खेल रहा है करियर से। मैं एक दिन गया, मैंने म्यूजिक की तेज आवाज़ आ रही है, मैं क्लब में घुस गया, मैंने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? कह रहा खेल रहा हूँ। मैंने कहा किस चीज़ से? कह रहा करियर से। हम गए, अभी इसके एग्जाम चल रहे थे, मैं गया एग्जाम में लेने, वो टीचर कह रहे वो तो है ही नहीं। बोला कहाँ गया? कह रहा खेल रहा है। मैंने कहा किस चीज़ से? कहता करियर से। ये एक दिन करियर की ट्रॉफी लाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए बेटा जिंदगी में, चाहे मेरा खुद का बेटा हो, ऐसे बेटे से शादी मत करना, ठीक है? मैंने कॉल इसीलिए किया है कि शादी नहीं करनी। और ये मेरे को मालूम है, एक दिन आप नेशनल खेलोगे यार, यू सो वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही खेलना। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ खेल रहा था। मुर्गा बन गया। ओह नो, यस, मंजू यार, मंजू मुझे पता चला आप नेशनल खेलना चाहती हैं, मैं कोशिश भी करूंगा और मुझे उम्मीद भी है कि नेशनल खेलेंगे आप। यार आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और आप कितने सारे लोगों से बात करते हैं, सबको ये आपको बोलना चाहिए कि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, एंड डेफिनेटली प्लीज प्रे कि मैं नेशनल खेल पाऊं। अरे यार, और आपको लड़कों को बोलना चाहिए अपनी तरफ से कि खेलो, लेकिन अपने करियर से नहीं, और करियर से खेलो तो एक कॉम्पिटिशन रखो, कम से कम उसमें तो ले आए आदमी मेडल, है ना, 5-6 जितने खेल रहे हैं। बट थैंक यू सो मच मंजू, बाय बाय। हेलो, हाय। हाय, बिजी तो नहीं थे? नहीं, बताओ कौन? ड्राइव तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं। मीटिंग तो नहीं है? नहीं नहीं, मीटिंग भी नहीं है, तुम बताओ तो। अच्छा सुनो, जल्दी भी तो नहीं हो? अरे नहीं नहीं, बच्चे बच्चे तो नहीं है अभी तक? तो नहीं, बताओ। आसपास तो कोई नहीं? अरे कोई नहीं है, तुम बोलो तो। बैटरी तो फुल है ना? एक घंटा खाली है, तुम बोलो तो सही। तो फिर इनसे बात कर लो ना। करा करा। सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। जैसे आपने बताया अभी आप खाली हैं, तो सर हमने आपको देखभाल के फोन किया है कि कहीं सर बिजी ना हो, कहीं सर के पास कोई बॉस ना बैठे हो, कोई मीटिंग ना हो, आप ड्राइव ना कर रहे हो। सर हमारे बैंक ने एक लोन निकाला है सर। रख फोन तेरी, रख फोन। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे। हेलो दीप जी, नमस्कार। नमस्कार दीप जी, बस ऊपर वाले की कृपा है भाई, आपके यहाँ शादी ठीक ठाक हो गई, और मैंने कहा फोन करके बोलना चाहिए भाई, फर्ज बनता है। हर चीज बहुत अच्छी थी, खाने में बड़ा स्वाद आया हमें। मैं लेकिन पहचान नहीं पा रहा, आप कौन बोल रहे हैं? वहाँ पे तो इतने सारे लोग आए हुए थे। नहीं नहीं, वही आप बिजी थे। मैं विवेक बोल रहा हूँ, आपने कार्ड दिया था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, मैंने वाइफ से भी कहा था, सारी चीजें सही थी, बस एक प्रॉब्लम हो गई थी उसमें ना। क्या प्रॉब्लम हो गई? नहीं, मैं वो असल में, मैं वाइफ और बच्चे आए थे, तो हमारे कोऑर्डिनेशन में ना गलती हो गई थोड़ी। मैंने वाइफ से कहा था भाई मैं लिफाफा दे दूंगा, घर आके मेरे से कह रही है मैंने भी दे दी। मैंने कहा गधी है क्या, मैंने भी दे दिए, पहले कोऑर्डिनेशन कर लेना चाहिए था। कोऑर्डिनेशन नहीं था ना, तो लिफाफे पहुंच गए दो आपके पास। 1,000 का मैंने मारा लिफाफे में, मेरे से कह रही है मैंने भी 1,000 ही मारे हैं। मैंने कहा चलो जो है वो अच्छा हुआ है ना, चलो आपने फोन किया आपने। नहीं, फोन तो मेरे को करना ही था ना, फोन तो करना ही था, लिफाफे दो पहुंचे हुए हैं आपके पास। चलो वो तो, चलो शगुन था जो आपने दिया है ना वो तो। नहीं, एक होता है ना, एक होता है, दो लिफाफे पहुंच गए आपके घर तो कोई बात नहीं भाई साहब। फिर नहीं, फिर क्या मैं ये नहीं, आशीर्वाद हो गया ना वो तो आपका, डबल आशीर्वाद हो गया आपका। नहीं, आशीर्वाद तो मैं वैसे देता हूँ बिना एनवेलप के, आशीर्वाद आप 5 बार ले लो आगे। कोऑर्डिनेशन हमारा नहीं था, मैंने एक दफा भी नहीं बोला कि आपका कोऑर्डिनेशन नहीं था, हमारे मेरी वाइफ का नहीं है। दो लिफाफे पहुंच गए आपके पास, तो ये तो आपको घर से करके आना चाहिए ना, आप घर से करके आते। मैंने वाइफ को कहा, मैंने कहा कोऑर्डिनेशन तेरे को करना चाहिए था ना, कि शादी वालों को। हाँ तो भाई अभी आप क्या चाह रहे हैं भाई साहब? लिफाफा वापस कर दो, लिफाफा वापस कर दो, एक लिफाफा वापस कर दो। मतलब मैं आपकी कोई गलत, ऐसे नहीं होता है भाई साहब, ऐसे थोड़ा होता है। कैसे होता है फिर लिफाफा? एक बात बताइए, आप कितनी शादियों में गए हैं आज तक? तो हम कोऑर्डिनेशन करके जाते हैं ना। तो मेरा नहीं हुआ ना कोऑर्डिनेशन की सजा, तो ये थोड़ी है कि मेरा लिफाफा आपके पास रहेगा। दो लिफाफे हैं, आप वो वापस कर दो, ठीक है? ऐसे थोड़ा लिफाफा कैसे वापस, हमको क्या पता आपने कितना उसमें डाला था या खाली लिफाफा दिया था। 1,000 बोला तो है, मेरी वाइफ ने मारे 1,000, मैंने मारे 1,000, मैंने बोला है काम की चीज सुनते नहीं हो। याद नहीं रहता है भाई साहब, इतने लोगों के लिफाफे हैं, नहीं याद कैसे नहीं रहता, मेरे को याद है ना। मेरी वाइफ वाला वापस कर दो,
अरे ऐसे थोड़ा वापिस मेरा वाला वापिस कर दो, वाइफ का छोड़ो आप, वाइफ का छोड़ो आप, मेरा वाला वापिस कर दो आप। ऐसी कैसे वापस कर देंगे यार? वापस नहीं कर देंगे, लिफाफे खाली भी हो सकते हैं दोनों, दो दो खाली लिफाफे दे दिए और आप 1000 रुपया मांग रहे हो। मैंने ये बोला वहाँ पे वो डिशेस खाली पड़ी थी, था ना उसमें खाना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने खाया ना, दोनों ने खाना खाया ना उसमें। मेरी बात सुन लो, वाइफ का लिफाफा वापस करो, दो पहुँच गए। नहीं दे रहा वाइफ का लिफाफा, वाइफ का मेरा वापस करो यार। आपका क्यों दूं मैं, क्यों दूं? आपने खाना खाया, तीन प्लेट तो आपने मेरे सामने खाई है। बैठे दो लिफाफे लेके बैठोगे, शर्म नहीं आती? शादी दो करी है जो दो लिफाफे ले रहा है। मुंह मार के बात कर, मुक्का मार दूंगा यहीं से, तेरे मार दूंगा। फोन दो लिफाफे लेके हेलो, दो लिफाफे पहुंच गए हैं, फोन काट दिया, एक वापस करो जल्दी, ठीक है? अबे फोन काट, मुक्का मार दूंगा यहीं से तेरे को मैं। एक शादी का दो लिफाफे, शर्म। अबे फोन काट, फोन फोन काट। हेलो मैडम जी, भाई साहब हैं घर पे, फोन बंद कर रखा है उन्होंने। आप कौन? प्लम्बर बोल रहा हूँ, जरा बात कराना। हेलो, बुलाया था क्या प्लम्बर? अगर मेरी वाइफ का लिफाफा देने में शर्म आ रही है, मेरा वाला वापस कर दे, ठीक है? मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा मैं, मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा। फोन कर, एक काम कर, दूसरी शादी करवा, दो लिफाफे पहुंचे हैं, दूसरी शादी करवा किसी की, उसमें आएंगे। बदतमीज आदमी है, क्या मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा, ये निकाल रहा है तू। हेलो, कौन? इंदर, इंदर। हाँ जी, कौन? इंदर, ये योगेश का भाई। हाँ जी, बोल रहा हूँ। अबे भाई, साथ तो ले ले। ओए इंदर भाई, ये बता, मैं योगेश, अभी वो जो छोड़ यार, मैं योगेश से नंबर लिया था तेरा। इंदर, तूने वो वाला जोक सुना है जिसमें एक आदमी नाई की दुकान पे बैठा होता, आदि शेप बना के उठ लेता है? अबे नहीं सुना, अभी नहीं सुना। मुझे बता क्या था? तूने नहीं सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना है ये, मैं इसे ही पूछा अभी, इन्होंने भी नहीं सुना। ये किसने सुना है यार? किसी ने अगर सुना हो ना, तो मेरा दिल कर रहा था मैं उसे सुन लूं। तूने भी नहीं सुना, तू कह रहा है? तेरी माँ का बैंड बना रहा तू। बैंड किसने नंबर दिया ना, वहीं जाके मारूंगा, सुन ले तू। हेलो, इंसान को इतनी तमीज होनी चाहिए कि किसी की शादी में अगर गया है। हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। ये नहीं, नहीं, प्रभात जी बोल रहे हैं। हाँ, प्रभात बोल रहा हूँ। प्रभात जी, एक बात बताइए, ये अभी जो छत्र फार्म पर से शादी में आए हैं आप, मैं ये नहीं जानता आप कितने क्लोज हो हमारे, कहाँ से आपके पास कार्ड पहुंचा, आप हो सकता है किसी के थ्रू आए हो यार। एक आप, आपको मालूम है आप क्या करके गए यहाँ पे? कौन सी शादी में? छत्रपुर में जो शादी हुई है, ये राघव, हाँ हाँ हाँ, ये आप क्या करके गए हो यहाँ पे भाई साहब? क्या हुआ ये मैं बताऊं आपको, क्या हुआ? आपने आपको होश था यहाँ पे? किसने कहा था आपको डांस करने के लिए? नहीं, जब आपको नहीं आता था, नहीं मेरी बात पूरी होने दो, जब डांस नहीं आता आपको, तो क्यों कर रहे थे आप यहाँ पे डांस? भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो बिल्कुल नाचने नहीं चाह रहा था, ये तो ने चढ़ा दिया। नहीं तो वो चढ़ाई में आए, नहीं मैंने मान लिया आपने चढ़ाई में डांस किया है, मैंने मान लिया। आपको मालूम है घर में क्या क्या हुआ है? मेरे छोटे छोटे घर के बच्चे यार, इधर बेटा। अरे कुछ नहीं कहते अंकल, डांस बुरा करते, कुछ कहेंगे नहीं। क्या नहीं, हुआ था पता, क्या हुआ था? ऐसे इन्होंने ऐसे डांस करा था, मैं कैसे? खाना भी नहीं खाया, मैं वैसे ही चली गई थी, मैं इतना बहुत डरा। आप देख रहे हो एक मासूम पे क्या गुजरी है, हम सब ने एंजॉय करा, तो कह रहे कि भाई तू चढ़ जा, तू चढ़ जा, हल्का फुल्का डांस दिखा दे, फोटो खिंचवानी है। फोटो के चक्कर में हल्का हाथ उठाया तो झुन्नी बंद गई, फिर मैं क्या बताऊं, झुन्नी बन गई। नहीं तो ये झुन्नी बन गई, आपको ये पता है आप कितनी देर तक नाचे हो? ये होश है आपको? कितनी देर तक डांस किया आपने? आप रहने दीजिए, आपसे बात नहीं हो पाएगी ढंग से। देखिए आप बात समझ रहे हैं, बहुत सारी औरतें थी, बहुत सारी महिलाएं थी शादी में, और आपने बिल्कुल तमीज से नहीं, आप बात सुनिए, आप कैसे नाच रहे थे? स्लो गानों में भी आपने इतना तेज तेज डांस किया है, इतने लोगों की कोहनियां तोड़ी हैं आपने, मार मार के घुटने अपने, आपको पता नहीं है क्या कैसे नाचा जाता है? पहले मैंने तो खुद इनसे यही कहा। नहीं एक बात बताओ, एक बात, ये प्रभुदेवा बनने की जरूरत क्या थी? जब आपको नहीं आता, आप पूरा घर परेशान है, या मैं, मेरी वाइफ परेशान है, बात कर रही है, वाइफ की बहन आई हुई है, बताओ ये इन्होंने भी रोका आपको? अरे मेरी तो फ्रेंड्स आई हुई थी, हाँ। तू कर दी है इन लोगों ने,
ये कैसे डांस किया था? अरे चलो डांस तक तो ठीक है, उसके बाद जो ठुमके लगाए, छी 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 छी, ठुमके कौन लगाता है, वो भी इतने गंदे ठुमके। भाभी जी ठुमके लगा रहा था मैं। ठुमके लगा रहे थे? अरे इतने खतरनाक ठुमके लगाए आपने? अरे छी 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 भाई साहब, आपसे उम्मीद नहीं थी ये वाली। यार तमीज होनी चाहिए। ये घर की बात छोड़ो, मैंने ढोल वाले तक को रोक रखा है सारे के बाद। ये इधर आओ भाई साहब। भाई साहब मैं थक गया ढोल बजा के। 100 का नोट इन्होंने मुंह में ही रखा हुआ था, मुझे दिया ही नहीं। डांस कैसे कर रहा था ये? इतना बुरा डांस किया मैंने, इतनी शादियों में ढोल बजाया, आपसे गंदा डांस मैंने आज तक किसी का नहीं देखा भाई साहब। ढोल वाले, तू ढोल वाला बोल रहा है ना? हाँ वही है। तेरी सारी ऐसी पैसे चौकड़ी बजा बजा के नचाया तूने मेरे को। तो भाई साहब नाचो चौकड़ी बजा रहा हूँ, ढूंढ चुक नाचो भाई साहब। तेरे चक्कर में भाई साहब देखो कितना मेरे को सुना रहे हैं। मुझे बोला गया था कि मैं बोलियां करूँ, क्या करता मैं? तो मेरे पास हो जाएगा तो नाचना पड़ेगा ना, मेरे पैर हिलते हैं फिर धुन पे। यार आप किसी की बात का भी यकीन नहीं कर रहे आप, मतलब अपनी चला रहे हो आप। भाई साहब मेरी बात सुनो आप, या तो आप पीने पानी का प्रोग्राम मत रखा करो, पीने पानी का रखो तो ढोल वाले को मत बुलाए करो। तो ये मतलब क्या हो रहा है, क्या नहीं, ये रहा है? आपको पता है आपने क्या किया? नागिन कितनी देर के लिए बने थे आप? ये ना आपने तमाशा बना दिया हमारी शादी में। वो तो भाई साहब और कौन सा, कह तो रहा हूँ गलती हो गई, थोड़ा सा पी लिया था, हल्का डांस हो गया, गलती हो गई, शर्मिंदा हूँ मैं अपने किए पर। माफ करो, अपने बच्चे की जान लोगे क्या? छोड़ो बात को, भट्टी डालो। हाँ ख्याल रखना आगे से। जी बिल्कुल ख्याल रखेंगे। और बिल्कुल नागिन नागिन बिल्कुल नहीं, डांस कर भी लो। सॉरी सॉरी सर। हाँ सॉरी भाई साहब। क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ज्यादा आ गया, परेशान हैं, वेव ऑफ करवाना चाहती हैं, लेकिन हम मुर्गा बनाना चाहते हैं। बना दे मुर्गा। चलिए जी। हेलो मैडम, बैंक से डार्लिंग बात कर रहा हूँ। कौन डार्लिंग? बैंक से डार्लिंग बात कर रहा हूँ। आपने हमें कंप्लेंट किया था कि आपका बिल ज्यादा आ गया, आपको वेव ऑफ कराना था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। क्या मैं जान सकता हूँ आपका कितना बिल आ गया था जो आपको वेव ऑफ करवाना है? 35 का ही आया था, तो आप जितना मैक्सिमम हो सकता है प्लीज वेव आउट करवा दीजिए इसको। प्लीज वेव आउट करवा दीजिए, आई एम रेडी टू जस्ट विथड्रॉ। आई एम सो सॉरी अगर आपको परेशानी हुई है, मैं अभी आपकी कॉल ट्रांसफर करूंगा आपके अपने बॉस को। आप अपने मेरे बॉस से बोलिएगा कि मेरी डार्लिंग से बात हुई थी, वो वेव ऑफ कर देंगे क्योंकि वो दूसरा डिपार्टमेंट है। मैडम इसके लिए मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ जिसका नंबर 21938। हाँ आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी कॉल में ट्रांसफर कर रहा हूँ। वेरी गुड इवनिंग, बैंक से जानू बात कर रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? जानू। डार्लिंग से बात हुई थी मेरी अभी। अभी मेरे को बताया था कि आपकी कॉल ट्रांसफर करने को आपका कोई बिल का चक्कर था, मेरे को बताएंगे कितना वेव ऑफ करना है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम अगर हो सके तो 20-25,000, नहीं तो 20,000 आप वेव ऑफ करवा दो। हो जाएगा, हो जाएगा। मैं आपकी अभी कॉल ट्रांसफर करूंगा हमारे बॉस को, आप उनको बोलिएगा मेरी जानू से बात हुई थी, आप बोलेंगे जानू से बात हुई थी, तो आपका ये वेव ऑफ कर देंगे। यू डोंट वरी मैडम। ओके ओके। वेरी गुड इवनिंग, बैंक से जानेमन बात कर रहा हूँ, आपके किस तरह सहायता कर सकता हूँ? कौन बात कर रहा है? जानेमन। एक्चुअली जानू से बात हुई थी और उनको मैंने बोला था कि वेव ऑफ करवा देंगे 20,000 रुपीज। जानू से आपकी बात कैसे हो गई? ये कुछ मिस कन्फ्यूजन है, आपकी कॉल ट्रांसफर कर दी डायरेक्ट जानू को। मैं जरा पता करता हूँ कि जानू को कैसे ट्रांसफर करी है। उससे पहले डार्लिंग की कॉल आई थी तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने जानू से बात करवाई। नहीं तो मैं आपकी कॉल अगर कहती है तो मैं दिलबर को ट्रांसफर कर देता हूँ। दिलबर जितना हो सकता है आपका ख्याल रखेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। मेरी बात सुनिए। कितना तो प्यार दिखा रहा हमारा बैंक, कभी जानुमन बात करता है आपसे, कभी डार्लिंग बात करता है, कभी दिलवर बात करता है। आप कहें तो आपकी कॉल स्वीटहार्ट को ट्रांसफर कर दूं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने मुर्गा बनाया आपका। किसी ने मुझे बताया था कि आप बैंक से बड़े परेशान हैं और आपका कोई बिल आ गया जिसको आप वेव ऑफ कराना चाहती हैं। मुर्गा बन गया, हो गया वेव ऑफ। अब जरा प्यार से मेरे साथ बोल दीजिए कुकड़ूकू। कुकड़ूकू। थैंक यू सो मच, एक बार फिर से डार्लिंग से बात कर रही थी आप। हेलो, कुड आई स्पीक टू समर्थ? बोल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि किस मुंह से आपको थैंक यू बोलूं। मैं समझा नहीं, कौन बात कर रहे हैं? नहीं मैं देखिए, मेरे पास तो आई डोंट हैव इवन वर्ड्स। यू रिमेम्बर अभी पिछले हफ्ते आप ब्लड डोनेट करके आए हैं, एंड यू नो बेस्ट पार्ट, ना जान ना पहचान लेकिन फिर भी आपने ब्लड दिया। जी ये
ये तो इंसान के इंसान देखिए ये मदद कर सकते हैं मैं रिस्पेक्ट करता हूँ समर्थ आपकी रिस्पेक्ट थैंक यू वैसे अब उनकी कैसी तबीयत है क्योंकि मैं उनसे मिल नहीं पाया था हॉस्पिटल आया था मैं ब्लड बैंक में ही डोनेट करके चल दिया था आप उनसे मिल नहीं पाए थे मैं अभी हॉस्पिटल से ही बोल रहा हूँ और हम सब साथ में हैं उनसे बात हो पाएगी बात मैं आपकी बात करा देता हूँ एक सेकंड आप होल्ड करिए प्रॉब्लम ये है ना टाइमिंग्स होते हैं ना मिलने के आईसीयू में है रोकिए रोकिए समर्थ आप लाइन पे रहना हाँ